वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे इनकी डीओबी लिखी हुई है। अब अगर शीट नंबर वन का डेटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर सेलेक्ट करते हुए मैं जाता हूँ शीट नंबर टू पर, तो ये देखिए शीट नंबर टू का डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, शीट नंबर थ्री का भी डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, शीट नंबर ये थ्री है, ये बल्कि फोर था, और ये फाइव का भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट के साथ जब आप इसको सिलेक्शन में लेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, हर शीट का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप जब जाएंगे शीट नंबर टू पर तो देखेंगे शीट नंबर टू का डेटा सेलेक्टेड है, शीट नंबर फोर का, थ्री का, फाइव का, हर जगह का डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।